दोस्तों, इंडिया के लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर एंड सेलर सुला विनेयार्ड्स लिमिटेड की आईपीओ ओपन हो रही है। आज के इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि ये कंपनी क्या करती है, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस कैसी है, आईपीओ वैल्यूएशन, आईपीओ डिटेल्स, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड लास्ट में जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। अगर अप्लाई करना है तो फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर लिस्टिंग गेन के लिए। यानी इस आईपीओ से रिलेटेड आपके मन में जितने भी सारे क्वेरीज है, हर एक चीज आज हम आपको सिंप्लीफाई करके समझाएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप हमारा रेगुलर व्यूअर है तो आपको अभी तक एक भी आईपीओ में लॉस नहीं हुआ होगा। आगे भी ऐसे ही प्रॉफिट्स कमाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई सुला विनेयार्ड्स लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर एंड सेलर है। सुला इस कंपनी की फ्लैगशिप ब्रांड है। इसके अलावा ये कंपनी रासा, डिंडोरी, द सोर्स, सतोरी, मदेरा एंड डिया जैसी ब्रांड्स के अंडर में भी वाइन्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। करेंटली ये कंपनी 56 डिफरेंट लेवल्स के वाइन्स प्रोड्यूस करती है। इसकी 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें से 4 खुद के हैं एंड बाकी 2 लीज पर लिया हुआ है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते होंगे, वाइन्स बेसिकली अंगूर से बनती है, इसीलिए इस कंपनी ने 2290 एकड़ के अंगूर प्रोड्यूसर्स के साथ 12 साल के लिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया है। यानी 12 साल तक उन 2290 एकड़ से जितने भी अंगूर मिलेंगे वो सब डायरेक्ट सुला विनेयार्ड्स को मिल जाएगा। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 35 कंट्रीज में भी सेल करती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आप सुला विनेयार्ड्स एंड उसके बिजनेस के बारे में सब कुछ जान गए होंगे। चलिए अब इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। 2020 में कंपनी को 15.94 करोड़ रुपीज तक का लॉस हुई थी। आई थिंक ये कोविड के वजह से हुआ होगा, लेकिन 2021 से ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। 2021 में टैक्स देने के बाद कंपनी को 3.01 करोड़ रुपीज तक का प्रॉफिट हुई थी। वैसे ही 2022 में 52.14 करोड़ रुपीज तक का प्रॉफिट हुई है। आईपीओ वैल्यूएशन की बात करें तो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस 6.53 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी आरओएनडब्ल्यू 11.45% है। इसकी पियर ग्रुप में यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, रेडिको खेतान लिमिटेड एंड यूनाइटेड ब्रेरियर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनी शामिल है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ये आईपीओ 12 दिसंबर को ओपन हो रही है एंड क्लोजिंग डेट 14 दिसंबर 2022 है। आईपीओ की साइज 960 करोड़ रुपीस है, जिसमें से 1 रुपीस का भी फ्रेश इशू नहीं है, जो कि किसी भी आईपीओ के लिए एक नेगेटिव साइन होती है। तो ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर पर सेल में हो रही है, जहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स 2.69,530 इक्विटी शेयर्स सेल करेंगे। इसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। प्राइस बैंड 340 रुपीज से 357 रुपीज पर शेयर रखा गया है। ये बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्ट होगी। रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50% कोटा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% कोटा एंड रेस्ट 35% कोटा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एलोकेट किया गया है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 42 शेयर्स है। एक रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट एंड बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल प्रमोटर्स के पास 28.44% होल्डिंग्स है एंड आईपीओ के बाद सिर्फ 23.21% होल्डिंग्स बचा रहेगा। आईपीओ के अलॉटमेंट से लिस्टिंग डेट्स की बात करें तो 19 दिसंबर को आईपीओ में अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुआ है तो 20 दिसंबर को आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर शेयर्स अलॉट हुआ है तो 21 दिसंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। 22 दिसंबर को यह सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होगी, जहाँ से आप इसे बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। दोस्तों, इस आईपीओ के 5 पॉजिटिव पॉइंट्स एंड 3 नेगेटिव पॉइंट्स हैं। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बारे में बताने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इससे हम आगे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। पहले इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, इसकी पी रेशियो 54.67 है। अगर इसे हम इसकी प्योर ग्रुप के साथ कंपेयर करें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के 69.07, रेडिको खैतान के 45.94 एंड यूनाइटेड ब्रेरियर्स के 116.82 है। तो रेडिको खैतान को छोड़ के बाकी सबसे इसकी पी रेशियो कम है। यानी कंपनी जो 357 रुपीज़ का अपर प्राइस बैंड मांग रही है, वो अपनी प्योर ग्रुप के कंपेरिजन में ठीक ठाक है, लेकिन 54.67 का पी रेशियो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड होता है। सेकेंड, ये इंडिया का लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर एंड सेलर है। थर्ड,
कंपनी की वाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही बड़ा है, ऐसे में कोई भी नया प्लेयर इनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। फोर्थ, वाइन प्रोडक्शन के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे कि अंगूर, उसके लिए कंपनी ने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करके रखा है। फिफ्थ, इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज की डेट में इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 40 रुपीज़ चल रही है, यानी एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम ये 397 रुपीज़ में शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकती है, जो कि 11.20% प्रॉफिट होता है। चलिए अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट, ये आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस में हो रही है, यानी इस आईपीओ से कंपनी को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अगर ये आईपीओ फ्रेश इशू में होती तो कंपनी उस पैसों को अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाती एंड अपनी डेब्ट भी क्लियर कर सकती थी। सेकेंड, प्रमोटर्स के पास सिर्फ 28.44% होल्डिंग्स है एंड इस आईपीओ के बाद 23.21% के होल्डिंग्स बचा रहेगा। थर्ड, आईपीओ टाइमिंग, सेम टाइम में 2 IPOs ओपन हो रही है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स डिवाइड हो जाएंगे। ये सेबी भी ऐसे डेट्स क्यों अनाउंस करती है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। इस हफ्ते 1 भी IPO नहीं था, अगर इस हफ्ते 1 IPO, अगले हफ्ते और 1 IPO ओपन होती तो कंपनी, इन्वेस्टर्स एंड सेबी सबके लिए बहुत अच्छा होता। तो ये सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए मैं इस आईपीओ को 10 से 7 रेटिंग्स देता हूँ। आप इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको 1 या 2 महीने तक इंतज़ार करना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 270 से 280 रुपीज़ के आसपास आती है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ये तो था मेरा ओपिनियन, बाकी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।